नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर विवेक जांगीर नरसिंह बराड़ा से आज हम आए हैं उदयपुर राकेश जी कोठारी जी सर के फार्म पर, जहाँ पे इनका आरएमसी कंक्रीट का प्लांट है। देख सकते हैं आप, ये लगभग 5 एकड़ जमीन है जिसपे आरएमसी कंक्रीट का प्लांट बना हुआ है। ये देख सकते हैं, बाकी पीछे जो जमीन थी उस पे सर ने, राकेश जी सर ने अमरूद, ताइवान पिंक गुआवा, बर्फकान अमरूद और बाउंड्री पे दशहरी, आम्रपली आम, वो बाउंड्री की तरफ, पहाड़ी की बाउंड्री की तरफ चीकू का प्लांटेशन किया है। काली पत्ती चीकू व क्रिकेट बॉल चीकू दोनों का प्लांटेशन किया है। ये देख सकते हैं, थोड़ा जानकारी लेंगे क्या होता है, किस प्रकार की ग्रेडिंग होती है, क्या मिक्स होता है। हाँ सर, हमारा आरएमसी प्लांट है, दो स्ट्रिंग सेटर के प्लांट है हमारे पास। यहाँ पे रेडी मिक्स कंक्रीट बनता है और 150 फीट तक पंपिंग करने की सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। अल्ट्राटेक सीमेंट हम यूज़ करते हैं, M10 से लेके M45 तक हम कंक्रीट का ग्रेड बनाते हैं और सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, प्राइवेट आदि हमसे मटेरियल खरीदते हैं। क्या लोकेशन सर आपका? ये उमरडा उदयपुर में पहाड़ियों के बीच में इंडस्ट्रियल एरिया है। देख सकते हैं आप सर का प्लांट, इसमें ग्रेडिंग के अनुसार इनका कंक्रीट तैयार होता है। और क्या खासियत है सर इस प्लांट की आपके? सर रेडी मिक्स कंक्रीट है, इतनी मैन पावर की जरूरत नहीं है, मास कंक्रीट है, इसी से पॉसिबल है, इतनी लेबर अवेलेबल नहीं होती है। इसमें कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी है, पूरा कंप्यूटराइज प्लांट है। ये प्लांटेशन के लिए जो प्रोसेस अपनाई जा रही है, इसमें 8x8 पे इन्होंने काली टेप का प्रयोग किया है। ये देख सकते हैं आप, हर 8 फीट की दूरी पे काली टेप लगाई गई है। 8x8 पर बर्फखान का प्लांटेशन किया है और 8x5 पे पिंक ताइवान का प्लांटेशन होगा। तो 8x8 की रो बनाई जा रही है, वह 5-5 फीट पर प्लांट लगाए जाएंगे। इस साइड 8x8 पर बर्फखान का प्लांटेशन हो चुका है और ये थोड़ा क्षेत्र बताए लगभग 1 बीघा, इसमें 8x5 पर ताइवान पिंक का प्लांटेशन किया जाएगा। किसान भाइयों, अमरूद के इस बगीचे को जो कि 8x8 पर लगाया गया है, 4 साल तक उत्पादन लेने के बाद बीच की एक रो हटाकर 8x16 में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इसके यहाँ पर हमने अमरूद, पपीता, ताइवान रेड लेडी 786, साथ ही ताइवान पिंक अमरूद, सीताफल, एप्पल बेर, इन सभी चीज़ों की प्लांटेशन किया है।
या पेड़ लिया नींबू का पेड़ नींबू का पेड़।